माता जी की सहाई का हुक्म। कल्याण हो छतर जी, आप अठे? मैं सुनियो कि आप अनु जी ने घरे पदार्थ हो तो सत्संग रो आनंद उन्हें हाजिर हो गया हुक्म। धनबाग आप राम आओ विराजो और सत्संग रो आनंद लो। जी भाई साहब हुक्म। लाग्या लाग्या बाणे शब्द गुरारा घायल होवे ए बता जी आए घायल होवे ए बता गली में माने सतगुरु मिलिया
बा मिलने से बुझ गई प्यासा, प्रेम जड़े में माने सतगुरु मिलिया, बा मिलने से बुझ गई प्यासा। अब बारात आगेरा मार्ग पर निकल चुकी है। आगेरा मार्ग थी निकलता निकलता बारात साठिका पुगवा वाले थी। बारातरा मार्ग में तीन चमत्कारी घटना हुई। सर्वप्रथम देपाजीरो भ्रम निवारण होयो। दूजी घटना मांगलिया राजपूतों रे साथे कुआरे मायने पानी नी हो, जो माँ करणी जी रे आशीर्वाद थी कुआरे माए पानी आयो। तीजी घटना अंडा खातिरे घरे, जो ऊपर तो दूध ठारियो। ए तीन घटना करणी जी रा पति श्री देपा जी याद करता करता वे हैरान कोनी, उन्होंने आश्चर्य कोनी, पर उन्होंने एक खुशी जरूर ही कि साक्षात जगदम्बा अवतारी माँ श्री करणी जी उनारे घरे पगलिया कर दिया है। अंडा खाती वाली घटना धीरे धीरे आस पास रा सगड़ा गाँव रे माए फैल चुकी है। उन घटना ने इतना बरसों रे बाद आज भी लोग याद करे हैं। यहाँ तो सुवापसु साठी का जावता अगर वे रात्रि विश्राम कोनी करता तो वक़्त सु पहला वे साठी का पूग जावता, पर पशुधन सागे हो वे भी तिरसा हो जावे, मिनक भी तिरसा हो जावे, पर रात्रि विश्राम करेड़ो हो तो आगे रस्तों काटनो थोड़ो ठीक रहे। विश्राम करियारे बाद बारात साठी का बस पुगवा वाली ही। दूजे दिन री देपार चढ़गी ही। देपा जी रा पिता केलू जी बिठू बारात री मेरे जीव प्रतीक्षा कर रिया हा। उन्होंने ठा हो कि बारात सुवाब गांव रे माए तीन दिन रुकसी और तीन दिनारे बाद बारात निकले तो किन वक्त पुगे वा केलू जी ने बात ठा ही। इन खातर वे बारात रे स्वागत री तैयारियां करने लग गया और अपने पत्नी और परिवार वाला ने कहो बारात साठी का पुगते ही बारात रो स्वागत अपन जोर शोर सु कर सु। बींद बींदनी ने मोतियारा थाल सु बदाओ सु, दीपक सु आरती कर सु, उनारी खुशी रो भी कोई पार को नहीं। जगत जननी माँ जगदम्बा अवतारी श्री करणी जीरा चरणों रे माए घनी खम्मा घनी खम्मा घनी खम्मा। अरे सुनो सा, लो पूजा री थाली लो, पूजा होई गई है। अबे पूजा ही कर सो कि तैयार भी हो सो, अब आर थोड़ी मेगा में बारात साठी का पुगण वाली है। बेटो पनीजर बीननी घर ले रहा है, इनसु मोटो और कई अरख हो वे। अरे वो तो कई है कि बेटे रे जिदरे आगे पवाड़ो को नहीं फेरियो, नहीं तो बारात रे सागी जाऊं तो। पन कोई बात को नहीं, जो मारे महादेव ने मंजूर हो बस, अब नित्य कर्म सु शिवजी री पूजा संपन्न होगी, मैं झट सु तैयार हो रहा हूं। मन्ने ठाए बरात साठी खारी कांकड़ में पूगी होसी। मैं तो तैयार हो रहा हूं, सोचे आप भी तैयार हो सो। तू जाने है
पूजा करिया बिना मैं कहां कर तैयार हो सकूं। और हां दूजी बात और है जकी मैं थाने केवनी चाहूं, नवी बीननी पनीज घर आवे तो लक्ष्मी कवाई जे पूजा कर बधाई जो। आप तो यहां कह रहे हो जाने मैं तो कोई रीति रिवाज जानू कोनी। अरे घरे कोनी करिया तो दूजरे तो देखिया होसी। मैं सगड़ा रीति रिवाज जानू। अरे मैं आपने यहां थोड़ी कहियो कि आपने ठाको नहीं, पर नवी बीननी घर आवे तो मारे हरख रो पार कोनी। अब थे देख जो आज वे घर पुगे तो स्वागत रे फेर, बेटा रे ब्याव रे खुशी में एक भोजन समारोह राखसू। आस पास रे सारा जागीरदार ने आमंत्रित करसू। और तो और पुगल और जांगलू तई न्योता भेजसू। आस पास रे आश्रम और मठासू संतारो आगमन होसी। हर दूजे दिन गांव आखो सगरी, गांवरी कुंवारी कन्याओं रे बेस, साथी का गांवरी बेटियां दूजे गांव में पढ़ियाड़ी उन सगलिया ने तिरडासू। भले कोई भी जात्री हो और सगला ने देपाजी रे ब्यावरा बेस और जमाए ने पोतिया, उनरे बाद गांव रे ढांडा ढाक रे ने गुड़रो पानी और तिल्ला लड्डू, आ सगली व्यवस्था करनी है मने। अरे आ तो घनी चोखी बात है, बेटा री मर्जी सु भले ही ब्याह शादी री तू करियो, पर ब्याह री खुशी माए ब्याह रे पछे भी आमंत्रित कर सको, इनसु आप रो मान सम्मान और बढ़ जासी। एक बात सुन लो सा, मैं तो शिवजी रो भगत हूँ, मारे मन माए मान सम्मान ही कोनी पड़ी, बस ब्याह रे बाद यहाँ सगला ने भेड़ा करना है भले कितो ही खर्चो हो जावे। बस मारे मन में एक ही भावना है कि भगवान मारे माथे यही राजी रेवे और मैं उनारे नाम री हमेशा यूं ही माड़ा फेरतो रेवू। साची बात, आप री भक्ति सुन मैं कठे अनजान हूं, भले ही किसो भी काम हो पर शिवजी री भक्ति में तो से पीछे कोनी रहे हो। अरे गेली इन मिनक जमारे में और कहीं है, बस साचे मनसु भगवानी भक्ति करोड़ी साथे आसी। और हाँ इन भक्ति रे कारण ही तो मने लगे कि अपने घरे शिव और शक्ति रो मेल बनियो। हाँ हाँ अब समझी देपा जी और करणी जी री जोड़ी साक्षात शिव और शक्ति री जोड़ी है। साक्षात शिव और शक्ति री जोड़ी। हुकुम बरात अठे पूगी है। काई बरात पूगी अठे? हाँ हुकुम। अरे बधावेर तैयारी करो, फूल माला मंगाओ, मोतिया री थाली भराओ और दीप प्रकट करवाओ, मैं अभी तैयार हो रहा हूं। अरे पुजारी विधि झट पूरी करो, घनी दूर सु आया है, थाक गया होसी। झट पूजा विधि निपटे
तो बीन बींदनी घर में आराम करे। पहले पूजा विधि तो पूरी करवा दो, पच्चे थोड़ो कहीं घड़ो आराम करता रही। हाँ मासा, बाबू सा भले केवता, आप तो आपकी पूजा विधि पूर्ण करो। मैं कोनी था क्या? मैं जानू था क्या कि नहीं था क्या। काले पर बात रह निकलिया, थाकनो नहीं आवे तो कहीं। बाबू सा, आप मानी चिंता ना करो, आप उन बलदारी चिंता करो, जिकारी गाड़ी जोत मैं अठाया हाँ। अरे मैं उनारो भी इंतजाम कर दियो है, मैं पहला सूप पानी गरम करवा रखियो है, उनमें थोड़ो गुड़ मिलार खिलाने सू, उनारी भी थकान मिट जासी। बाबू सा, आप मिनखा जिया जिनावरानी संभाल रखो, आप जेड़ी सोच हर किंड्री हुए तो और काई चीजे। अरे भाई वह जिनावर है तो कहीं हुए, उनमें भी तो जीव है। अब मिनखा रे आगे चालनो और मिनखा रे आगे मजदूरी करनी, वो उनरो कर्म है, पर उनारो ध्यान रखनो, उन्होंने संभाल रखनो, वो आपनो धर्म है। आपा जीता ध्यान राख सा, जिनावर उतई स्वस्थ रेसी। और हाँ, घनी मजदूरी करता भी थाकसी कोनी, उन्हें माए भले बलद हो या घोड़ो, मिनखर है दही जिनावर ध्यान रखनो, आपनो धर्म है। बिल्कुल सच्ची बात है बाबू सा। उपकुमी ने पिच्छू खा गए, आज चिल्लाती तो शगुन में अशगुन हो जाते। अरे ओ कही भली भाई, शगुन अब शगुन के विचार में थे आप ये जीवनी भी चिंता नहीं करी। जल ले रहा हो, कटे खायो या ने पिच्छू? कटे आओ तई। मैं पूछूं के पग में खायो कहीं हाथ में? पग में खायो। नाम है यारो? इनारो नाम लिच्छू भाई है। लिच्छू भाई, थाने कहीं हुई गयो थो? मैंने बिच्छू खायो, घणो दर्द हो रियो थो। थाने बिच्छू खाए गयो और ते किनाने कही भी नहीं गयो? कोई ने तो कही कहनो चाहिए नहीं, मौत रे मुंह सु आयो थे। पण अब फिर चिंता ना करो, थे स्वस्थ हो। हुकुम, आप पहली बार सासरे पधारिया और मैं रहूं वो अपशुकुन हो जाऊं तो इरे खातिर मैं दर्द सहन करती रही, पर दर्द सहन कोनी होयो तो बिच्छू रो जहर आंखें तक आई गयो। मारी तो सांस बंद होगी, फिर कहीं होयो मने कहीं ध्यान कोनी। आप मने दूजो जन्म दियो है, जीवत दान दियो है, आप रे विषय में मैं घनी बातें सुनी, पर आज साक्षात्कार होगी। आज अगर आप को नहीं होता तो मैं मर जाती, मारा छोटा छोटा टाबर उड़ जाता। लच्छू भाई, जन्म और मरण तो विधि रो विधान है, अब आप रे मरने रो समय है ही को नहीं, तो ते किया मर सको? हुकम, ऐसी सगली बात मैं को नहीं जानू, आप मने नयो जन्म दियो है, अब आखी उम्र आपरी सेवा करूं तो भी कम है। सतपुरुष हमेशा सामान्य मिनखो ने विधि विधान बतार आपरो सच छुपा देवे, अब बात मैं भली बाती जानू सा, पर मने देवड़ो जीवदान मैं कदी नहीं भूल सकूं। ई सटी ना गांव में घना बिच्छू है, आखो गांव डरे है, ये बिच्छू सु घणी मौता हुई है।
आज सु 70 बरस पहला इन गांव माए साधु री धुनी संजोग रे अनुसार एक व्यक्ति सु साधु रो राग द्वेष हुयो। साधु महाराज रात माई सूता मौको देखकर वो व्यक्ति उन साधु ने बिस्तर पर एक बिच्छू छोड़ दियो। उन दिन में साधु महाराज आखे गांव ने श्राप दियो कि इन गांव माए बिच्छू रहवेला। उन सुबह साधु महाराज क्रोधित हुया और आखे गांव ने श्राप दियो कि इन गांव माए हमेश बिच्छू रहवेला। पर राखो साठी का गांव हमेश खातिर बिच्छू सु परेशान रहसी। उन खातिर ही साधु महाराज एक कोप सुही आखे साठी का गांव में घना ही सारा बिच्छू है पर इनरो एक उपाय है। इनरो कई उपाय है? आज सु साठी का गांव माए एक भी बिच्छू नहीं रहे। इन जल रे छिड़काव सु सगले बिच्छुआ ने मुक्ति मिल जासी है सगला मौत सु रहे। मारी नहीं मारी आवड़ मातारी बोलो बोलो आवड़ मातारी जय। लो मैं देखो कहीं हो बीन बीन ने माया ले सीधा रो आद्य शक्ति माँ कर्णी जी रो जन्म ईस्वी सन 1387 में हुए और 1538 रे माँ समाधि उनरा संपूर्ण जीवन काल रे माँ पुंगलरा शासक राव बरसल राव शेखा और राव हरा होया। उनरे सागे जोधपुर रे माँ राव जोधा और बीकानेर में राव बीका और लूणकरण होया। माँ देवी कर्णी जी अद्भुत पराक्रम वाली साहसी और दूरदर्शी ही। माँ कर्णी जी जांगलू प्रदेश रे माई ने सद्भावना सुख समृद्धि और भाईचारे रो वातावरण स्थापित करना चाहती ही। स्थानीय झगड़ा आपसी मतभेद धोखाधड़ी इन सब सु परे श्री कर्णी जी सुंदर शांति वालो वातावरण स्थापित करने रा पक्ष में ही। चारण जाति में जन्मियोड़ा होने सु देवी श्री कर्णी जी राजपुतोरी सर्व जातियों में पूजनीय थी और सगला कर्णी जी रो इत्तो मान सम्मान करता। इनो कारण हो कि कर्णी जी रे कहने और करने में कदी फर्क को नहीं आवतो। इन खातर वे सबरी पूजनीय थी। देवी श्री कर्णी जी सगला रे श्रद्धारी पात्र ही। मुख्य कहानी सु आगे चाल रे देखो तो श्री कर्णी जी पूरा प्रदेश रे माए काया चराता चराता परिभ्रमण करती। परिभ्रमण करता करता जो भी मिनक मिले उन सगला मिनखा ने सत उपदेश दे। देवी श्री कर्णी जी रो मुख्य ध्येय ओ हो अहिंसा सहनशीलता और नैतिकता। उनारो कहना ओ हो कि आपसी झगड़ा बंद करो आपसी रक्तपात बंद करो भेदभाव बंद करो और छोटा मोटा झगड़ा हो भी जावे तो आपसीय जातीय पंचायत माए उन्नो निराकरण करो। उन वक्त में जांगलू पर सांखलो रो राज्य सांखला इतना शक्तिशाली कोनी। उनारे सागे सागे आसपास में जैसलमेर नागौर और मोइलो रो शक्तिशाली राज्य। उनारे आगे सांखला थोड़ा कमजोर शासक हा।
वे हमेशा उन बात री चिंता करया रहता कि पासरा राज्य कदे उनारो राज्य छीनने कोनी ले लेवे। इन खातर वे एक युक्ति करी, सांखला अपने बेटियों रो हाथ पासरा राज्य रे सागे देने लाग्या, अपने बेटियों रो ब्याह पासरा राज्यों में करने लाग्या। कारण के संबंध होने रे कारण सु वे उनारा राज्य पर हमलों को नहीं करे। सांखला अपने पड़ोसी राज्यों ने घनी ईमानदारी से सेवा दी। जांगलू प्रदेश रा नापाजी सांखला अपनी बहन गोराग देरो ब्याव राव जोधा जी रे सागे करो। ईस्वी सन 1438 रे माए राव जोधा जी रे बीका नाम रो पुत्र होयो। नापाजी सांखला और गौरांग देरे पिताजी रो नाम माणक पाल हो। बीकाजी रे जन्म स्थल रो अबार कोई अभिलेख उपलब्ध कोनी। बीकाजी रो जन्म इतिहासकारों री धारणा रे अनुसार या तो जांगलू प्रदेश में होयो या पछे अपने पिता रे ननिहाल पुगल में होयो। माणक पाल सांखला रे संबंधों रे कारण पुगल रा भाटियों और जांगलू रा सांखलों रा संबंध ठीक कोनी है, इनारा संबंध बिगड़ गया है। पण राव बरसल रे कारण उनारा संबंध पाचा सुधरिया। पण राव केलन रे उनारे दियोड़ा सहयोग रे कारण राव बरसल उनासु विशेष प्रभावी था, वे उनारो ध्यान रखता है। Thank you.
जल पी लो। चल पी लो। मैं कहीं समझ नहीं पा रही, खाई है सब हसकड़ी माया। आप पहला जल तो पियो, पछे मैं आपरे सगले सवालों रो उत्तर दूं। पानी पीर मन शांत हुयो? महारो मन तो तत शांत होसी जत मन मारे सकड़े सवाला रा उत्तर मिल जासी। पर सवाल कहीं है ओ मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। सुहाब सु साठी खारे मार्ग में जो घटना घटित हुई फिर आज आपरे एकांत रा दर्शन कर हमें मैं काई सवाल पूछूं वो मैं समझ नहीं पा रही हूं। कृपा कर आप आपरी माया जाल मने समझाओ। माया जाल माया और जाल तो दोनों रचिया जावे और मैं तो दोया नहीं कुनी रची। हो तो मनुष्य अवतार है, मनुष्य रो देह धारण कर मैं अवतार लियो है, जिका ने मिनखारी लोक भाषा में नाम मिलियो है करनी। पहला मैं भी मैं आपने बताया अनुसार इन धरती पर जब जब पाप बढ़ियो है खुन्ने रोकन वास्ते मने इन धरती पर आनो ही पड़ियो है। आपरी बात साची पण आप तो सर्वव्यापी हो, आपरे एक ही सहारा सु पाप तो काई सगड़ी धरती समाप्त हो सके और सब उत्पत्ति हो सके। फिर आपने यू अवतार लेर समय गवाण रो काई मतलब है? विधि विधान के अनुसार थे जिका कर्म करो उना रो ही फल मिले। इन खातिर ही लोका ने आपनो आपनो सत्कर्म रो बोध करावा खातिर ही मने मनुष्य अवतार लेनो पड़ियो। अगर फकत इशारा सु ही उत्पत्ति और विनाश कर सकता तो लोका रे जन्म और मरण रे बंधनों रो कई मतलब? सगलो इयो ही रुक जाम तो और दुनिया विनाश रे मार्ग माते चाल जामती। इन खातिर और पहला सुही तय हो कि फलाना घर में फलाना वक्त पर मैं उनाने घर पर मनुष्य अवतार में जन्म ले सू। आखी जिंदगी आखी उम्र मनुष्य अवतार में मनुष्य कर्म करता करता ही मने लोक कल्याण रो काम करना है। जन्म लिया पछे सगले मिनखा रे ज्यो मिनखा रो धर्म उनारे रीति रिवाज रे ज्यों ही निभानो है हो तो पहला सुही तय हो। अर इया नहीं हूं तो मनुष्य देह धारण करने रो काई मतलब? आपरी सगड़ी बात समझ में आ गई पण एक बात एक मुझमण है मारी। आपरी मुझमण मैं भली बात ही समझू हूं। इन खातिर ही तो मैं आपरे ब्याह सु पहला ही एक बात तय कर ली ही।
और वह आ ही कि आप लोग दूजो ब्याह पूछी और वो भी हमारी सांसारिक बहन गुलाब बाई रे सगे। आप रे भाग में दो ब्याह लिखी उड़ाए, एक मारे सगे और दूजो हमारी सांसारिक बहन गुलाब बाई सगे। सगलो तो विधि विधान में पहला सुही तय है, मैं संसार रे रीति रिवाजों से बंध ब्याह तो कर लियो, पर आप रे भौतिक सुख और वंश विधि रे वास्ते आपने दूजो ब्याह करनो जरूरी है। आगे रे जीवन में आप आपकी घर गृहस्थी संभाल जो और मैं मारे उद्देश्य अनुसार लोक कल्याण करती रहसू, क्योंकि जिन कार्य खातिर मैं मनुष्य देह में अवतार लियो है वो तो कार्य पूर्ण करना ही मारे सांसारिक जीवन रो मुख्य उद्देश्य है।